इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको YouTube पर इस तरीके से लिखा आता है दिस वीडियो इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल बिकॉज द YouTube अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस वीडियो हैज़ बीन क्लॉस्ड। तो बेसिकली इस इशू में आपको क्या होता है, और यूज़र जो वीडियो देखता है वो इस वीडियो को देख भी सकता है या नहीं देख सकता, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर इस तरीके से इशू आता है आपका दिस वीडियो नो लॉन्गर अवेलेबल, और नीचे लिखवाता है देयर वाज ए प्रॉब्लम विद ए सर्वर 404, तो बेसिकली इसको हटाया जा सकता है या नहीं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, ये एसोसिएटेड यूट्यूब अकाउंट वगैरह वगैरह वायलेशंस वगैरह वीडियोस होती हैं, तो उनके बेसिस पर ही हटाया जा सकता है। यूज़र इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, बट कभी कभी कुछ सर्वर वगैरह डाउन हो जाते हैं, बहुत लोगों की वीडियोज़ ऐसे बिना मतलब के भी शो करने लग जाती हैं, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या हटा सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर ये YouTube की तरफ से हटाई गई है तो वो तो वापसी एक क्रिएटर और YouTube के बीच का मैटर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर इसको अगर कभी सर्वर वगैरह डाउन हो जाते हैं तो इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देना आपको, और यहाँ पर अपने YouTube पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाना है और YouTube को अपडेट कर लेना है यहाँ पर सर्च करके। तो जैसे आप सर्च करेंगे फिर अपने फ़ोन को बंद करके खोल लीजिएगा, तो जो इशू आ रहा होगा वो फिर देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना सा प्रोसेस बस आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।